ये जो पहाड़ आपके सामने इस वक्त नजर आ रहा है ये उत्तरकाशी है और उत्तरकाशी की सुरंग हादसे की हम बात करने जा रहे हैं, जहां पर 17वां दिन है आज रेस्क्यू ऑपरेशन का। पिछले 17 दिनों से इस सुरंग में मजदूरों तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन काम लगातार जारी है। अब तो वर्टिकल ड्रिलिंग भी चल रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग जो ऊपर से आप देखेंगे यहां नीचे की तरफ चल रही है और लगभग 42 मीटर ड्रिलिंग हो चुकी है। ये एक बड़ा अपडेट है कि 42 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है और कुल 86 मीटर तक ड्रिलिंग करनी है, यानी कि अब 44 मीटर के करीब का फासला रह गया है, शेष है 44 मीटर का सफर। जिस गति से पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ ये काम चल रहा है, ये वर्टिकल खुदाई चल रही है, अगर यही गति रही तो यह उम्मीद की जा रही कि जल्द ही यह काम पूरा कर लिया जाएगा। इस टनल की तस्वीरें आप देखिए, बिल्कुल यही है, लेकिन सुरंग के अंदर भी जो हॉरिजॉन्टल तरीके से यानी कि सिलकारा छोर से जो टनल खुदाई चल रही थी, वहां रैट माइनर्स काम तेजी से कर रहे हैं जो इसमें एक्सपर्ट माने जाते हैं। 49 मीटर तक मलबा साफ हो गया है, पाइप की वेल्डिंग की जा रही है, मजदूरों से लगातार बात की जा रही है, उनके परिवार वालों से उनकी बात करवाई जा रही है ताकि उनका हौसला बना रहे। सूरज की रोशनी नहीं देखी है पिछले 17 दिनों से उन्होंने, तो भीतर उनको दवाइयां भी पहुंचाई जा रही है। रेट माइनर से 5 मीटर तक मलबा साफ कर लिया है, एक ये बड़ी राहत की बात है, एक बड़ा अपडेट है, तो धीरे धीरे उन तक पहुंचा जा रहा है। जो पहले ऑगर मशीन काम कर रही थी उसकी ब्लेड टूटने के बाद से उसका काम करना बंद हो चुका है, तो ऐसे में अब रेट माइनर्स की मदद दी जा रही है जो इसमें पारंगत माने जाते हैं, एक्सपर्ट माने जाते हैं। जिस तरह से एक चूहा बिल को खोदता है धीरे 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 धीरे, उसी तरह से ये एक्सपर्ट है कि ऐसी खुदाई करते हैं कि नुकसान भी ना हो, बहुत धीरे धीरे से जो है ये इस तरह इस काम को अंजाम देते हैं। देखिए रेट माइनर से कैसे अपना काम शुरू किया है वो आप तस्वीरों में देखिए। वर्टिकल खुदाई यानी कि टनल के ठीक ऊपरी भाग से नीचे की तरफ जहां मजदूर फंसे हैं वहां तक जा रहे हैं, कुछ इस तरह से खुदाई चल रही है लगातार और इसमें तेज गति से काम हो रहा है। कैसे मिट्टी निकाली जा रही है, खोदा जा रहा है, धीरे धीरे ऐसे अंदर जा रहे हैं, लेकिन आप मजदूरों के लिए खाना देखिए कैसे पैक करके भेजा जा रहा है, क्योंकि वो 6 इंची पाइप, ये सबसे बड़ी राहत की बात है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में कि वो 6 इंची पाइप एक जीवन रेखा बन गए उनके लिए। अगर वो पाइप ना होता तो बचना बड़ा मुश्किल हो जाता। इस वक्त हम मौजूद हैं सिलक्यारा टनल पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेस्क्यू का कार्य गतिमान है, कड़ाके की ठंड है, पुलिसकर्मी यहां पर अलाव के सहारे ठंड दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर के शीत लहर के आगोश में ये पूरी घाटी है। अगर मौजूदा हालात की बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के, तो जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, एक तरफ हॉरिजेंटल ड्रिलिंग का काम चल रहा है जिसको रेट माइनर्स अंजाम दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। आंकड़ों की अगर बात करें तो वर्टिकल ड्रिल अभी 42 मीटर डेप्थ तक हो चुकी है, जबकि हॉरिजेंटल ड्रिलिंग की अगर बात करें जो कि जो है रेट माइनर्स के द्वारा की जा रही है, तो करीब कल शाम से लेकर अब तक का जो प्रोग्रेस सामने आया है सूत्रों के हवाले से, वो करीब 4 मीटर और आगे ड्रिल कर चुके हैं, जिसमें जो है पाइप को भी 800 mm डाया का जो पाइप है उसको आगे पुश कर दिया जा चुका है, ऐसा सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है।